भाई अभी ओह माय गॉड ओके गाइस लेट मी जस्ट गिव यू लिटिल डिस्क्रिप्शन. दिस इज सादिया दुरानी, माय चाइल्डहुड फ्रेंड रोमाना, सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड दैट आई कैन इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स. बिल्कुल भी नहीं, ना जिद्दी ना लड़ाकी, मगर इतना हंसाती है ये हमें, इतना हंसाती कि मतलब अगर हम जरा सा भी हम थोड़ा सा सैड मूड है कुछ, अगर ये हुमा वहाँ पर आ जाए बस समझे पूरे कमरे में हंसना हंसाना शुरू हो जाता है. तो कम है कैरेक्टर इनके ग्रुप का जो है. हाँ. बिल्कुल. और ये yes. करें कि हम लोग वीकेंड का वेट करते कि जब हम, क्योंकि हम सब वर्किंग है, हम लोग वीकेंड का वेट करते कि वीकेंड हो तो हुमा आए और हम सब चिल करें. और इनका बल्कि अभी हम लोग न्यू ईयर पे हम लोग गए हुए थे लाहौर में, क्या आपको किस्सा सुनाओ. हम लोग सब साथ गए थे, बाय द वे साथ गए थे, तो वहाँ बहुत सर्दी थी, तो हम इनको ड्रॉप करने रात सर्दी थी, बहुत सर्दी थी और वहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉग थी. तो हम रात को 2 बजे हमने कहा कि चलो हुमा को हम जहाँ ये ठहरी में थी उरूस वगैरह हम इनको वहाँ ड्रॉप करने गए. और यकीन करें एकदम से हम गाड़ी चलते चलते एकदम से गाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई, तूफान आया कि क्या हुआ पता ना, हुमा जो है वो सनरूफ से बाहर इतनी सर्दी और हम सब कहाँ पर और ये उससे बाहर और वीडियो बना रही है, फुल मलंग गाना चल रहा है और हम पूरे एरिया में घूमे जा रहे हैं मतलब ये इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि हमें पता नहीं होती ये नेक्स्ट क्या. और वो वीडियो जो है यू कैन ईजिली वॉच इट ऑन माई इंस्टा एंड फेसबुक. ये अब बचपन की दोस्त है तो मैं तो बचपन से जानती हूँ कि इनकी असली हरकतें क्या है. एक तो ऑफकोर्स एज रोमाना सेड शी इज द लाइफ ऑफ द पार्टी ऑलवेज, एंड हमारे साथ कोई डल मोमेंट नहीं है. अगर कुछ ना भी कर रहे हो, हम 3 लोग या 2 लोग भी हैं, हमारे साथ कोई बंदा भी हो ना, वो जो है चुप नहीं बैठ सकता और वो बोर नहीं हो सकता. सो हुमा हैज गॉट अ पन ऑन एवरीथिंग, सो यू नो शी इज अ मलंग हरसेल्फ टू बी ऑनेस्ट. मलंग जमाना है ना, वो इसी के लिए ये बिल्कुल मलंग है और ये जो है ना जमाने से वाकई अलग है. सो हुमा मैं ये कहूँगी कि डांटती है बहुत भैया, इतना डांटती है कि मतलब कोई भी चीज़ इसकी मर्जी के खिलाफ हो तो मुझे तो बहुत डांटे पड़ती है. उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करती हूँ. उसका रीज़न ये कि 27 ईयर्स लिविंग ऑन योर ओन अलोन, बिल्कुल आप हॉरिबली इंडिपेंडेंट, अपने कपड़े भी आप खुद वॉश करते हैं, मॉप खुद करते हैं, बर्तन खुद धोते हैं, डिशेज आप कर रहे होते हैं. प्लीज़ मुझे गो एड तो okay, so please let me say something. Since she started living in Karachi, she's back after 27 years, जो कि बहुत एक मुश्किल काम है. जाहिर है मतलब दुबई से आ गई, यहाँ आ गई, घर अपना अलग ले लिया और अब हम 3-4 दोस्त हैं जो आस पास करीब में रहती है. उस दिन बहुत मज़े का किस्सा हुआ, फोन आया किसी अननोन नंबर से, she got locked out of her house. कचरा फेंकने बाहर गई और ये बाहर मैडम लॉक हो गई और अपने नेबर्स के घर से मुझे इन्होंने फ़ोन किया और शुक्र है कि चाबी मेरे पास थी जो मुझे पता नहीं था कि अब है. अब मेरी तो जान निकल गई कि हुमा को पता चल जाएगा चाबी नहीं मिल रही तो शी इज़ गोइंग टू किल मी बिकॉज दैट्स हाउ शी इज़. डर के मारे जल्दी जल्दी चाबियाँ ढूंढी, बहुत सारी चाबियाँ निकाली, गाड़ी नहीं थी घर पर, भाग्या के बच्चे को बुलाया, हुमा को चाबी भेजी. सो यू नो इस तरह की बहुत सारी हरकतें करती है, कभी इसके पानी भर जाता है घर में, कभी इसकी चाबियां गुम जाती हैं और पता नहीं और क्या क्या क्या. भाई अब देखिए ना, कराची आने के बाद पाकिस्तान का ना एवरीथिंग कम विद द पैकेज. अब जो दुबई में मैंने सोचा भी नहीं था चीज़ें कि आपको हर रोज़ सुबह 10 बजे उठ के बालकनी में जाके एक लेवर ऑन करना है जिससे पानी जो आपके जो रिजर्वॉयर्स हैं उसमें फिल होगा, क्योंकि टैंकर आएगा. टैंकर तो मुझे सुन के जंग फील आती है कि टैंकर आने वाला है, जबकि यहाँ पाकिस्तान में टैंकर पानी के लिए आता है. अब सुबह 10 बजे जब वो लेवर आप ऑन करें और आपने अपने एयरपॉड्स लगाए हों, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही है कि पानी का वो अलार्म हो गया है कि भाई बंद कर दें. फिर जब मैंने कहा ये बेडरूम में ये कारपेट पर पानी कहाँ से आया, तो वो बालकनी से पूरा पानी, पूरा मेरा घर फ्लड हो चुका हुआ था. तो ये एक इंसिडेंट हुआ था. फिर उसके बाद ये चाबी वाला भी इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि हम जिस trying to deal with all the things and dynamics of living in Karachi. Ullu bahut acha banati hai. Dekho do hai saath mein, do dost dost. Jab bhi main jaati hu to ye mujhe kehti hai khud hi chai bana le. Ab ye ek record hai ki iske ghar mein aaj tak kisne kabhi chai nahi banayi mehmanon ke liye, sirf main banati hu. Aisa hai. Nashta khud bana le ja ke. तो इसके हाथ का तो मैंने कुछ नहीं. हाँ. अब आप बता दें. अब मैं बता देती हूँ कि वहाँ दुबई में रहने की वजह से हुआ यह कि 15 ईयर्स के बाद मुझे जाग आई कि यार आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू स्टार्ट कुकिंग. एंड देन
ईटिंग माई ओन कुक फूड, क्योंकि कब तक बाहर का खाना खाते रहेंगे. तो फिर होता ही था, मैं सिंगापुर गई, वहाँ मैंने देखा कि भाई वो स्टर फ्राई विद ऑयस्टर सॉस के साथ प्रॉन्स बना रहा है, कैसे बना रहा है भाई, देख लिया, उस वेरी गुड हो गया. कराची जब आती थी, मेरा भाई आफरीदी कढ़ाई ले गया, भाई वो कैसे बना रहे हैं खान साहब, वो भी चेक कर लिया. तो अब ये कि देर आर वेरी फ्यू थिंग इन पाकिस्तान, जैसे कि एक निहारी और एक कढ़ाई है. उसके अलावा थाई एंड चाइनीज़ फूड आई मेक, मतलब वहाँ दुबई के सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो यही कहते हैं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स वी हैव एवर कम अक्रॉस, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में ना मेल बावर्चियों वाला टेस्ट है, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम देम रादर देन लर्निंग फ्रॉम माई मदर और माई फ्रेंड्स और माई सिस्टर्स. नहीं, आई हेट टू गो, आई हेट टू गो फॉर शब. नो नो, यू डोंट हेट टू गो. नो, आई हेट टू गो विद यू. आई नो, बट माई थिंग इज के इवन दुबई में भी जब अम्मी आती थी, अब्बू आते थे, बहनें आती थी, मुझे आई जस्ट डिटेस्ट कि मैं शॉपिंग पे उनके साथ लूर 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 घूम रही हूँ. भाई मेरा कोई काम नहीं है, तो मुझे, मैं सिर्फ जाती हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे क्या लेना है. आई जस्ट पिक दैट थिंग एंड देन आई सिट इन माय कार एंड कम बैक. कराची आके यूजुअली मेरी ज़्यादातर शलवार कमीज, शोज के कपड़े स्पेशली थोड़े से वो ग्लिटरी और थोड़े से शिमरी और वो थोड़े फ्लेम पॉइंट होते हैं, तो वो मेरी कज़न है बीना एंड माई सिस्टर किरण, दे ऑलवेज डू. बट छोटी मोटी टाइप शॉपिंग, फॉर एग्जाम्पल मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप लेके भाग गया मलंग के दरमियान, तो अभी ये दोनों मुझे लेके जाएंगी मलंग सारा, नॉट मलंग, सारा मेकअप का पाकिस्तान का सामान दिलाने के लिए. अभी मैं इनके साथ जाऊँगी बिकॉज आई डोंट नो नो वेयर, मुझे पता ही नहीं है गल्फ, मुझे ये नहीं पता था गल्फ कैसे जाते हैं, आशियाना कैसे जाते हैं, क्योंकि सारे कपड़े बन के दुबई आ जाते थे. तो अब सारा ज़ैनब मार्केट का तो बता दो, ज़ैनब मार्केट की स्टोरी सुने, माई फेवरेट प्लेस, आई लव दैट प्लेस. और वहाँ पर जनाब अभी हुआ ये कि अब मैंने कहा यार जब तक कोई दुबई से आएगा तो आएगा, तब देखते हैं क्या होगा, जब तक नहीं है तो फिर कुछ और देखते हैं जाके, कुछ सामान खरीदते हैं. तो हम लोग चले गए ये मेरे साथ, मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे ले चलो. अब वहाँ देखें ये बताएगी आगे. उफ, 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक ज़ैनब मार्केट की गर्मी में छोटी छोटी दुकानों में इसने मुझे कोई 48 दुकानों पे तो घुमा दिया. 4 जैकेटें ली और कुछ समझ ही नहीं आ रहा. 40 दुकानों पे हम गए और मैं रोने वाली हो गई आखिर में. स्टूल पे बिठाया, चाय पिलाई और बाकी जो लोग थे आसपास के उनको जैकेटें पहना के हम दिखा रहे थे, नहीं वो मोटा, आप पतले हैं, आप जरा ये जैकेट तो पहन के दिखा दे. हमने ये भी हरकतें की है. फिर आखिर में जब मैं रोने वाली हो गई तो इसने वहाँ रोड पे हम दोनों जाके बैठे और इसने मुझे एक वेल्डिंग वाले चश्मे दिला दिए 500 रुपए के. वो बच्चा आया, बाजी चश्मा ले लो. अरे नहीं चाहिए भाई, बाजी ले लो चश्मा. अरे नहीं चाहिए भाई. एंड में वो वैसे बड़ी क्लासी प्राडा स्टाइल थे. मैंने कहा वैसे देखो यार ये लग रहा नहीं इसको पहन के वेल्डिंग करेंगे. कहती वैसे बुरा नहीं लग रहे. तो मैंने कहा इसी बात पे 500 रुपीज़ के चश्मे मैंने अपने दोस्त के नाम कर दिए. क्या याद करेगी, जब दुबई जाऊंगी तो ओरिजिनल भी ले आऊंगी. सिडनी, सिडनी दिस इज गोना. अब अपना थोड़ा सा बताओ भी लोगों का कि व्हाट डू यू डू एंड ऑल. ऑलराइट, सो आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी एंड आई एम अ कंसल्टेंट विद ब्रिटिश काउंसिल. सो आई हैड गॉन फॉर माई मास्टर्स इन एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टू सिडनी. अब जाहिर है वहाँ मैं काफ़ी अर्सा रही और हुमा उस वक्त होती थी एमिरेट्स में. सो हुमा की वहाँ फ्लाइट लगी एंड हुमा केम देयर और वी हैड अ ब्लास्ट ऑफ अ टाइम. सो ट्रैवलिंग हमने वहाँ इस सेंस में बिल्कुल की है. दुबई में इनके पास बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, वहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा साथ घूमे हैं. लाहौर अभी हम रिसेंटली न्यू ईयर्स पे हम सब साथ लाहौर गए हुए थे. सो वी ट्रैवल्ड देयर टुगेदर. फैसलाबाद गए हम साथ, इट वॉज अ फैंटास्टिक ट्रिप. सो बहुत हमने इन्जॉय किया. बट सबसे ज़्यादा हमने इन्जॉय जो किया वो सिडनी में किया, क्योंकि हम दोनों एक देसी मूवी देखने के चक्कर में 3-4 ट्रेन बदली, बसेस बदली, जॉन अब्राहम की और अक्षय कुमार की मूवी देखने के लिए देसी बॉयज और बाहर आके गाने शुरू कर दिया सारे गोरे देसी बॉयज एंड सिडनी गर्ल्स. तो वो हमने बड़ा एंजॉय किया और एक अजीब से हम लोकेशन में पहुंच गए. रात में 12 बजे वहां से निकले और वहां सारे लाइक सिडनी में और धोतियों और लुंगियों में लोग घूम रहे थे, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी थी. सो दैट वाज क्वाइट एन एडवेंचर. हम बहुत देर से घर आए, तो बहुत एंजॉय किया था. दैट वाज अ ग्रेट ट्रिप. यस, कोई टेस्ट नहीं होता. आपका दिल मिलना चाहिए, प्यार होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और एक दूसरे के जब वक्त पड़ता है तो एक दूसरे के कौन काम आता है, कौन है, आपको पता चल जाता है कौन दोस्त है और कौन नहीं. लेट मी गिव यू माई 2 सेंट्स हियर ऑल्सो. सॉरी टू कट यू गुड़िया. मैं अभी जब दुबई से वापस आई तो हमेशा सब लोग मुझे समझाते थे फ़िल्टर करो, फ़िल्टर करो. 5,000 दोस्त नहीं होते, 5 होते हैं, 50 होते हैं. देन आई रियलाइज़ कि यहाँ आने के बाद आप, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट लाइक आई बाई बर्थ आई एम फ्रॉम हियर, बट 27 इज़ अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आई स्पेंड आउट ऑफ पाकिस्तान. सो व्हेन आई केम हियर डायनामिक्स वर टोटली डिफरेंट हियर. लाइक आई डिडंट इवन नो कि हाउ टू ड्राइव, लेफ्ट एंड राइट का मसला, हाउ टू गेट टू वन प्लेस फ्रॉम अनदर.
इस तरह की जो मैंने चीज़ें फेस की, प्लस यू नीड योर फ्रेंड्स पीपल दोज यू लव यू दोज हु यू थिंक यू कैन काउंट ऑन, वो देन फिर मुझे पता चला यहाँ आके सम पीपल लर्न हार्ड वे एंड आई वॉज वन ऑफ एम. तो जो आदमी खर्च करने से पहले सोचता भी नहीं था कि ओहो, जो आदमी अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदने से पहले ये भी नहीं सोचता था कि प्राइस टैग देख लो. मेरे घर पे लोग कहते थे यार तुम्हारा घर जो होता है लंगर लगता है हर वक्त, खाने पीने दुबई लोग आ रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं होता कौन सो रहा है सोफे पे, कौन जाग रहा है, चाहे वो शोबिस की पर्सनैलिटी है चाहे जो भी है, दे आर शी नोज स्पेशली. यहाँ आने के बाद उसमें से मुझे अनफॉर्चुनेटली एंड विद ऑल माई पेन इन माई हार्ट विच आई नेवर एक्सप्रेस बट आई एम एक्सप्रेसिंग थ्रू यू, कि 90% ऑफ द people I've realized that I was just wasting my 27 years spending time and my energy and my love with them. और वो जो 10% जो लोग थे जो मेरे साथ आज भी खड़े हुए हैं वो यहाँ पर हैं मेरे साथ, जिसमें मेरी एक दोस्त रूसा बट जो लाहौर में है, सादिया दुरानी, रोमाना, दे आई हियर, सो आई एम विद देम एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव देम. या सीरियसली, नो किडिंग, या ऑल्दो मुझे आई नो दैट हुमा इज हैविंग अ वेरी टफ टाइम सेटलिंग हियर, बट बिकॉज़ वी लव हर सो मच और मुझे आई एम सो हैप्पी दैट शी इज हियर नाउ, ट्रस्ट मी, मतलब जो भी मुसीबतें हैं मुश्किलें, वी आर स्टैंडिंग बाय हर एंड बट आई एम सुपर हैप्पी दैट शी इज बैक एंड शी इज मेकिंग ग्रेट म्यूजिक. And you know that I love Malang. I think Joe, I was one of the first people to fall in love with the song. Us waqt release nahi hua tha. And she was the first person who I sent. Hai na? She's the first person. And we sang it together. And mujhe rata hua hai wo gana. Isse zyada mujhe wo gana aata hai. और हम जब लाहौर से वापस आ रहे थे तो पूरे रास्ते हम लोग बाय रोड वापस आए और पूरे रास्ते हमने यही गाना सुना है सिर्फ, और हम लोग ने सब साथ गा रहे थे और सुना, बहुत मजा आया. हाँ हाँ चले 1 2 3 4 छोड़ के दुनिया सारी मैं हूँ भी आवारी, हद से बढ़ के जग से लड़ के मैं ते हो गई तेरे ही संग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग. अच्छा, माई मैसेज टू इरफानिस्तान्स ऑल द सब्सक्राइबर के प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग हिज चैनल बिकॉज ही इज़ लवली, आई लव हिम, ही इज़ अमेजिंग एंड ही डज द ग्रेट जॉब ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. इरफान यू आर लव एंड यू आर सुपर्ब.